हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रोडक्ट बोर्ड। आज के वीडियो में देखने वाले हैं हमें कैसे आप रिएक्ट एप्लीकेशन में टू डू एप्लीकेशन बना सकते हो। और टू डू इज़ ए बहुत ही बेसिक एप्लीकेशन होता है। आपके इंटरव्यू में मोस्ट ऑफ तो पूछा जाता है कि टू डू आप कैसे बना सकते हो। टू डू लगता है प्रेशर को बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल चीज़ है, टू डू ही बना जा रहा है, हर यूट्यूबर ही टू डू ही बना रहा है। तो बिहाइंड द सीन अगर आप सोचोगे आप, तो हर एक एप्लीकेशन टू डू पर ही वर्क करता है। आई मीन क्रड, क्रिएट, रीड, एडिट और डिलीट। लेट्स सपोज मेरा ये यूट्यूब का पेज है जहाँ पर दिया है क्रिएट पोस्ट का ऑप्शन, जहाँ पोस्ट को क्रिएट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे आइटम को यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, मैं यहाँ से पोस्ट करता हूँ मैं यहाँ पे, और किसी भी आइटम को मैं एडिट या डिलीट कर सकता हूँ मैं। तो पूरी एक क्रड की फंक्शनलिटी है। सो आप टू डू को भले ही आप सोचते हो बहुत ही छोटा टास्क है या मिनी प्रोजेक्ट कोई मेरा हो गया, बट बिहाइंड द सीन उसको आप एनालाइज करोगे तो पूरा वेबसाइट या पूरा एप्लीकेशन या दुनिया में कोई भी वेबसाइट हो, सब आपका टू डू ही है। कोई कम साइट पर बात करता हूँ मैं, अगर आप कोई फ़ोन परचेज करते हो तो जो प्रोडक्ट आप फिल्टर करके आप सर्च करते हो, जो मोबाइल आप देखते हो सामने आपके, वो डेटा कहीं ना कहीं से लिस्ट हो रहा है किसी डेटाबेस से, और किसी ने बंदे ने उसको क्रिएट किया होगा। उसकी प्राइसिंग अपडेट होती रहती है, तो उसको प्रोडक्ट को अपडेट किया जा रहा है, प्रोडक्ट को डिलीट भी किया जाता है। तो इस तरह सारा आपका एप्लीकेशन या सारा वेबसाइट पर जो भी कॉन्टेंट आपको होता है, सब क्रड ही परफॉर्म करता है, डेटा को मैनिपुलेट करना। तो हम लोग आज देखने वाले कैसे आप टू डू बना सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं। सिंपल मैंने एक कमेंट तैयार किया है टू डू नाम का, जहाँ कुछ नहीं अभी है। और यहाँ सबसे पहले मैं एक टेक्स्ट लूँगा मैं, जो हमारे टेक्स्ट को हैंडल करेगा। टेक्स्ट से टेक्स्ट, जहाँ मैं एक एम्प्टी स्ट्रिंग दे देता हूँ मैं यहाँ पे, और मैं यहाँ पे एक लेता हूँ इनपुट, इनपुट लेता हूँ मैं, जिसका टाइप होगा टेक्स्ट, और प्लेस होल्डर इसका होगा एड आइटम, एड आइटम, ओके। और जिसकी वैल्यू मेरी होगी टेक्स्ट। जब मैं टेक्स्ट को चेंज करता हूँ, जब मैं टेक्स्ट को चेंज ऑन चेंज, सो इसका मैं स्टेट को अपडेट करूँगा मैं, जो कि मेरा होगा सेट टेक्स्ट। सेट टेक्स्ट में पास कर दूँगा ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो इस तरह से मेरा एक टू डू का एक सिंपल सा टेक्स्ट बॉक्स को मैंने हैंडल कर लिया। आप यहाँ कुछ भी टाइप कर सकता हूँ मैं, एप्पल, ओके। और एक बटन ऐड कर लेता हूँ मैं, आप में बटन, बटन बी यू डबल टी ओ एन, बटन, बटन टाइप बना लिया मैंने यहाँ पे। और मैं करता हूँ ऐड आइटम, ओके। और यहाँ मैं एक ले लेता हूँ फॉर्म, फॉर्म ओपन, फॉर्म क्लोज, और मैं सेव कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। अब मेरा ये ऐड क्लिक पे, मेरा बटन पे ऐड जब पे क्लिक करूँ तो फॉर्म में लगाता हूँ टाइप, सबमिट करता हूँ यहाँ पे हूँ मैं, और फॉर्म में लगाता हूँ ऑन सबमिट। जब मैं फॉर्म को सबमिट करता हूँ तो मेरा एक बीटिन हैंडलर वर्क करेगा। सो इसको डिफाइन कर लेता हूँ मैं, कॉन्स्ट, कॉन्स्ट बीटिन हैंडलर। और मैं इस क्लिक पे अपने एक स्टेट लेता हूँ मैं टू डू नाम का, जहाँ मैं टू डू के सारे आइटम ऐड होंगे। और मैं पास करता हूँ सेट टू डू, और इसका स्टेट जो होगा इनिशियल एम्प्टी एरे होगा मेरा। और जब मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ मैं, तो इस टू डू में जो मेरी पहले से वैल्यू होल्ड है उसको आप कंटेन है उसको होल्ड किए रहो, प्लस इसमें आप टेक्स्ट को ऐड कर दो। और चलते हैं देखते हैं कुछ हुआ या नहीं हुआ। कंट्रोल आर, मैंने टाइप किया विवेक, ऐड करता हूँ मैं, तो ये ऐड हुआ कि नहीं हुआ देख लेते हैं एक बार। मैं इसको कंसोल कर लेता हूँ अपने टू डू को, टू डू, मेरे एरिया में भी कोई वैल्यू नहीं है। मैं पास किया जो भी पास करना किया, ऐड किया तो वैल्यू ऐड हुई, बट मेरा पेज रिफ्रेश कर गया, आई मीन रिलोड कर गया। तो उसे प्रिवेंट करने के लिए हम पास कर सकते हैं ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट, और मैं इसको पास कर दिया मैंने।
सेव करते हैं। अब मैं पास करता हूँ विवेक, ऐड किया, विवेक मेरा ऐड हो गया। ऐड करने के बाद हम चाहते हैं जो टेक्स्ट फील्ड जो है लिखा टाइप किया मैंने उसकी वैल्यू एम्प्टी हो जाए, तो मैं सेट टेक्स्ट को पास कर दूंगा एम्प्टी स्ट्रिंग कि ऐड होने के बाद मेरा टेक्स्ट फील्ड एम्प्टी हो जाए। मैं टाइप किया विवेक, ऐड किया, ऐड हो गया। मैं टाइप किया श्याम, ऐड किया, मेरी स्टेट पे सारी वैल्यू होल्ड हो रही है। अभी इसी स्टेट को मैं जो सारे मेरे टू टू के आइटम जो हैं उसको मैप के थ्रू मैं दिखा देता हूँ आप लोग को। यूएल लिया और मैं टू डू डॉट मैप, ये कॉल बैक एक्सेप्ट करता है और रिटर्न करता है। मैं पास कर देता हूँ मैं आइटम और इंडेक्स, आप ऐसे पास कर सकते हो। और मैं टाइप कर सॉरी मैं एलआई ले लेता हूँ एलआई, और मैं यहाँ पास करता हूँ मैं अपने आइटम को पास कर देता हूँ, मैं आइटम को मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ मैं। और सेव करता हूँ मैं और मैं कंट्रोल आर करता हूँ मैं। मैंने टाइप किया विवेक, ऐड किया, मेरा आइटम ऐड हो गया। बट हमें एक वार्निंग आई है, इस चाइल्ड इन ए लिस्ट शुड हैव ए यूनिक की प्रॉप, सो मैं की पास कर देते हैं आप हमें और जिसका वैल्यू मैं देता हूँ इंडेक्स। कोई भी यूनिक वैल्यू आप पास कर सकते हो। अब मुझे कोई वार्निंग नहीं आ रही है, मैंने ऐड किया, ऐड हो गया, ऐड किया, ऐड हो जा रहा है, ऐड किया, ऐड हो जा रहा है। मैंने एम्प्टी ऐड किया तो एम्प्टी मेरा ऐड हो जा रहा है जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता। तो मैं जो वहाँ पे सबमिट लगाया है या पास करता हूँ डिजेबल, अगर मेरा टेक्स्ट में कुछ ना हो, टेक्स्ट अगर कुछ ना हो तो अब डिजेबल रहो, कंट्रोल आर कर देता हूँ मैं। अब मेरा वैल्यू फॉर्म क्या है डिजेबल, मैं सबमिट नहीं कर सकता हूँ मैं। जैसे मैं कुछ टाइप करता हूँ मैं, मेरा फॉर्म हो गया इनेबल, ऐड कर दिया। ठीक है, तो बिहाइंड द सीन ये चेक कर रहा है कि ये डिजिबल की वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है। तो जब फॉल्स होगा वैल्यू उसकी तो मेरा ये नहीं चलेगा। सो ये है मेरा विवेक, मेरा इंसर्ट होना शुरू हो गया और डिस्प्ले होना भी शुरू हो गया। हम चाहते हैं इसको डिलीट करना आप, तो उसके लिए बनाता हूँ मैं एक बटन, पास कर देता हूँ बटन, मैं कर देता हूँ डिलीट या रिमूव कर देता हूँ यहाँ पे REMOV, रिमूव कर दिया मैंने यहाँ पे। एक बनाता हूँ हैंडलर में, ऑन क्लिक रिमूव हैंडलर, और यहाँ मैं पास करता हूँ मैं कॉल बैक कंट्रोल एक्स। जब कोई इस पर क्लिक करता है तो मैं इस करंट एलिमेंट का इंडेक्स ले ले रहा हूँ मैं, उसी बेस पे मैं इसको रिमूव करूँगा। मैं यहाँ जाता हूँ, मैं पास करता हूँ कॉन्स्ट रिमूव हैंडलर, मुझे इंडेक्स प्राप्त हो रहा है एज ए आर्गूमेंट। अब मैं इस टू डू में से इस पार्टिकुलर जिसमें मैंने क्लिक किया है उस इंडेक्स की वैल्यू को रिमूव करूंगा मैं। तो मैं करता हूँ यहाँ पर कॉन्स्ट अपडेटेड टू डू इक्वल टू, टू डू में जाएंगे हम, और टू डू में जाने के बाद चलाएंगे फिल्टर जो कि मेरे करंट एलिमेंट और इंडेक्स, यहाँ पास करता हूँ इसका मैं नाम रखता हूँ मैं कर इंडेक्स। अगर कर इंडेक्स की वैल्यू इंडेक्स आती है तो उसको आप रिटर्न मत करो, और मैं इसी को सेट टू डू में अपडेट कर देता हूँ। मैं सेट टू डू में इसको मैं अपडेट कर देता हूँ, देखते हैं क्या होता है। लेट्स सपोज मैंने पास किया विवेक, ऐड किया प्लेयर ऑफ कोड, मैंने लिखा इंटर किया, मेरा वर्क कर रहा है। मैं विवेक को डिलीट करना चाहता हूँ, मैंने रिमूव किया, रिमूव हो गया मेरा। बट ये एम्प्टी स्ट्रिंग क्या लिया, ये है कुछ तो है मिस, इसमें क्या मिस किया मैंने। मैंने पास किया विवेक, ऐड किया, विवेक मेरा हो गया, डिलीट किया, डिलीट हो गया। मैंने किया श्याम, ऐड किया, श्याम हो गया, ऐड हो गया,
ऐड हो गया, ऐड हो गया, और मेरा ये रिमूव करने पर रिमूव भी हो जा रहा है। बट ये मेरा एलिमेंट कुछ तो मिसिंग है। कंट्रोल एस, कंट्रोल आर, हमें लगता है वो डबल इक्वल टू का प्रॉब्लम था। नो, समथिंग इज मिसिंग इन माई टू डू। वॉट इज दैट? जो मेरा करेंट इंडेक्स है उस इंडेक्स के बराबर हो तो उसको आप रिमूव कर दो। टू टू में सी करना मुझे, आई थिंक होना चाहिए वर्क। ये ऐड किया, ऐड हो गया, कुछ और ऐड किया, ऐड हो गया, मैंने रिमूव किया, ये रिमूव हो गया, ये ऐड हो गया, ऐड हो गया, ऐड हो गया। अभी ये प्रॉपर वर्क कर रहा है, आई डोंट नो क्या इशू था। ठीक है, टू डू मैंने फिल्टर लगाया। जैसे मैंने फिल्टर इस पार्टिकुलर इंडेक्स, अगर गिवन इंडेक्स है जो मैच ना करता हो उसको आप रिटर्न कर दो। ले सपोज मेरे एरे में वैल्यू पहले से है 1 1 1 2 3, मैं इस इंडेक्स के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं 0 इंडेक्स के लिए, तो वो क्या कर रहा है? अगर 0 इंडेक्स, वो सारे चीज़ें तुम रिटर्न कर दो बस इस इंडेक्स को छोड़ के, तो इसको रिमूव करते रहिए और सिर्फ 2 आइटम मेरे बच जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे वर्क कर रहा है मेरा, ये प्रॉपर वर्क कर रहा है, अभी कोई इशू उसमें नहीं है। तो मैं इस तरह से अपने फॉर्म में वैल्यू को डील भी कर पा रहा हूँ मैं। हम लोग 3 चीज़ अचीव कर लिया हम लोगों ने, कभी वर्क कर रहा है, कभी वर्क नहीं कर रहा है, व्हाट इज द प्रॉब्लम? व्हाई दिस इज हैपनिंग टू मी? कुछ तो है इशू इसके साथ। मुझे प्रॉब्लम मिल गया गाइस, कहाँ दिक्कत था मुझे? मुझे दिक्कत था जो ये मैंने यू एल लाइक मैंने मैप चलाया है वो मेरे फार्म के अंदर था, इसको मुझे यहाँ से रिमूव करना होगा, जिसकी वजह से मुझे दिक्कत मिल रहा था वो प्रॉब्लम। सो उसको मैं एक बार फार्म से बाहर कर देता हूँ मैं। सो मैंने एक रैपर ले लिया कि जैसे फ्रेगमेंट का मुझे एरर ना आया, और भी इसे मैं फार्म से बाहर निकाल देता हूँ मैं। अब सेव करता हूँ मैं, सेव करता हूँ मैं इसको मैं। अब मैं कंट्रोल आर किया, कुछ ही पास किया मैं, कुछ ऐड किया, कुछ ऐड किया, कुछ ऐड किया, सब प्रॉपर वर्क कर रहा है। रिमूव करता हूँ मैं, सब प्रॉपर वर्क कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने ऐड, डिस्प्ले और रिमूव का पंक्चुअलिटी बना लिया हम लोगों ने। अब बारी है बनाने का एडिट का, एडिट कैसे वर्क करता है, कैसे उसको टॉगल करेंगे सब देखते हैं यहाँ पे। सो मैं एक लेता हूँ यहाँ पे बटन लेता हूँ जिसका मैं नाम देता हूँ एडिट, एडिट, और इस बटन के क्लिक पे ऑन क्लिक इसका नाम रखता हूँ मैं एडिट हैंडलर। ठीक है, कंट्रोल एक्स, जैसे बटन क्लिक करेंगे तो ये मेथड कॉल होगा मेरा एडिट हैंडलर, और ये लेके जाएगा इंडेक्स मेरा, इंडेक्स लेकर जाएगा मेरा ये। अब इसको मैं कॉपी करता हूँ मैं और यहाँ पे डिफाइन करता हूँ कॉन्स्ट एडिट हैंडलर, जो कि मेरा इंडेक्स लेकर आ रहा है। ठीक है, तो पहले जब भी कोई बंदा एडिट पे क्लिक करता है तो मुझे एक स्टेट मैनेज करना है, कॉन्स्ट पास करता हूँ पे एडिट मोड, या करता हूँ सेट एडिट मोड, जिससे मुझे ट्रैक कर पाऊँगा कि मेरा जो बंदा है, यूजर है, वो फॉर्म को स्टेट कर चेंज करने जा रहा है, अपडेट करने जा रहा है। तो जो एडिट मोड जो होगा बाय डिफॉल्ट क्या होगा, वो फॉल्स होगा। जैसे ही कोई बंदा एडिट पर क्लिक करता है इसको मैं करता हूँ ट्रू,
जब कोई बंदा एड पे क्लिक करता है तो उसको मैं करता हूँ ट्रू, और जिस इंडेक्स को मैं चेंज करना है उसको भी मैं स्टोर कर लेता हूँ किसी स्टेट में, कॉन्स यहाँ पास कर देता हूँ मैं, कर इंडेक्स और सेट कर इंडेक्स इक्वल टू, बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, नल होगा, कुछ नहीं होगा वैल्यू, लेकिन जैसे ही कोई बंदा एडिट पर क्लिक करता है, हम उस इंडेक्स को मैं यहाँ सेट कर दूंगा मैं, ठीक है। और मैं जिस इंडेक्स को वो चेंज करना चाहता है टू टू में से, उसके एलिमेंट की वैल्यू को मैं निकाल के यहाँ पर टेक्स्ट वाले में फीड कर देता हूँ मैं। अब देखिए क्या होता है, मैंने टाइप किया कुछ भी, ऐड किया, ऐड हो गया, इन पर क्लिक करते ही मेरा यहाँ पे जो मेरा ऐड था वो यहाँ पे इस फॉर्म में फीड हो गया। जैसे यहाँ फीड हो जाए मुझे इस ऐड आइटम के नेम को या फिर वैल्यू को चेंज करना है, बटन को यहाँ पर शो होना चाहिए अपडेट आइटम, ठीक है। तो उसको मैं बहुत सिंपली कर सकता हूँ अपने एडिट मोड को चेक करके, एडिट मोड जो कि बाय डिफॉल्ट फॉल्स है, अगर ट्रू होता है तो मतलब हम फॉर्म को अपडेट करना चाहते हैं, एडिट मोड अगर ये ट्रू होता है मतलब हम फॉर्म को अपडेट करना चाहते हैं, तो लिख देंगे अपडेट टू डू, अगर ऐसा नहीं होता है तो मतलब आप ऐड करना चाहते हो, ऐड टू डू। अब मेरा दूसरा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया, आर करता हूँ मैं, मैंने ऐड किया विवेक, ऐड हो गया, एडिट करता हूँ मैं, एक मेरे इस बटन को चेंज कर दिया, अपडेट टॉप कर दिया, टू टू कर दिया, और ये विवेक को विवेक कर दिया यहाँ पे। अब बारी है विवेक गुप्ता टाइप करता हूँ मैं, तो ये डॉक्यूमेंट अपडेट हो जाना चाहिए जो कि अभी नहीं हो रहा है, एडिट किया मैंने, क्योंकि जो हैंडलर है बटन का वो तो एक ही है, क्या है बटन हैंडलर मेरा ही है। अब इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, अब यहाँ चेक कर देते हैं, अगर एडिट वो ट्रू है तो ये कोड चलो, अन्यथा की स्थिति में आप ये कोड चलो, ठीक है। जो इल्स पार्ट है उसको तो मैं एचटी छोड़ देता हूँ, मैं कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी सेव करता हूँ मैं, ये मेरा होगा एडिट मोड का फॉर्म हो गया कि जब कोई ऐड करेगा तो ये चलेगा। अब अपडेट करने पर मुझे ये कोड रन कराना है, तो मुझे इसमें करना क्या है, जो टू डू की करेंट इंडेक्स है उसमें आप जो मैंने टाइप किया भी है उसको आप सेट कर दो, टू डू में जो मेरा करेंट इंडेक्स का जो एलिमेंट है उसकी जो वैल्यू होगी जो आपने टेक्स्ट या टाइप किया भी है उसको आप अपडेट कर दो। पहला काम मैंने ये कर दिया और ये अपडेट हो जाएगा, आई थिंक हो जाना चाहिए, तो चेक कर लेते हैं, स्टेप बाई स्टेप चलते हैं। बिल्कुल विवेक टाइप किया, ऐड किया, एडिट पे क्लिक किया मैंने और यहाँ टाइप करता विवेक गुप्ता और मैं कर देता हूँ यहाँ पे अपडेट, तो ये काम नहीं किया, क्यों काम नहीं किया देख लेते हैं। टू डू के करंट इंडेक्स में आप तो ये टेक्स्ट ऐड कर दो आप, और उसके बाद एडिट मोड को आप कर देता हूँ मैं फॉल्स, यहाँ कर देता हूँ मैं फॉल्स, और जो भी करंट इंडेक्स है उसको मैं कर देता हूँ नल, नल कर देता हूँ मैं, और जो मेरा टेक्स्ट में वैल्यू है उसको मैं रिसेट कर देता हूँ मैं। अब सेव कर लेता हूँ मैं, पेज को रिफ्रेश करता हूँ मैं, मैंने ऐड किया विवेक, ऐड किया, एड क्लिक किया मैंने, यहाँ पास करता विवेक गुप्ता, ऐड किया, मेरा यहाँ पे हो गया विवेक गुप्ता, फिर पास करता हूँ मैं वेब डेव, ऐड हो गया डी वी एल ओ पी एल ओ पी एम ई एन टी अपडेट, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने फॉर्म को एडिट भी कर लिया, ऐड करना बहुत सिंपल था, मैंने इसके लिए लिया था टेक्स्ट फील्ड, लिया था टेक्स्ट स्टेट लिया था जो मेरे इनपुट टेक्स्ट को हैंडल कर रहा था, और मैंने स्टेट लिया था टू डू का जो कि मेरे सारे टू डू का आइटम मेरे वहाँ पर स्टोर हो रहे थे। जैसे ऐड क्लिक करता हूँ मैं, मेरा सारे आइटम इस पर टू डू में ऐड हो जा रहे थे जो कि मेरा कोड यहाँ था, ये हो गया एड कोड। कोई बंदा इसको रिमूव करना चाहता है तो इसमें बनाया मैंने एक हैंडल बनाया जो कि रिमूव हैंडल पर काम कर रही है, और ये फिल्टर करके उस इंडेक्स की वैल्यू को हटा के सारे वैल्यू मुझे दे दे रही है, उसको मैं टू डू में ऐड कर दे रहा हूँ मैं।
और कोई बंदा सबसे टफ चीज़ में है एडिट करना, तो उसको बहुत ध्यान से देखना आपको है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, जब कोई बंदा एडिट पर क्लिक करता है तो मुझे उसका इंडेक्स मिल रहा है, किसको अब एडिट कर रहे हो आप, ठीक है। उसी इंडेक्स के बिहाफ पे मैं पहले बात तो एक एडिट मोड को मैं ट्रू करता हूँ मैं, जिससे मैं बटन का मैं ऐड टू डू को मैं अपडेट टू डू कर पाऊँ, ठीक है, ये हो गया। और करंट इंडेक्स में मैं सेट करता हूँ इंडेक्स, जो बंदा जिसको अपडेट करना चाहता है, और उसी इंडेक्स की टू डू में से आइटम निकाल के उसके एलिमेंट को मैं टेक्स्ट सेट टेक्स्ट में मैंने ऐड कर दिया। तो जब भी मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ मैं, तो मेरा ये वैल्यू इसमें शो हो रहा है, और ये बटन मेरा टेक्स्ट चेंज का बटन का हो गया। और जब मैं क्लिक करता हूँ दोबारा अपडेट टू डू पे, तो जो कि मेरा एडिट मोड ट्रू हो चुका है, तो अब इस सेक्शन में जाएगा कोड मेरा, इस सेक्शन में जाता है, तो टू डू के करंट एलिमेंट का जो मैंने होल्ड करा है करंट एलिमेंट में, टू डू के करंट इंडेक्स का मैं ये आप टेक्स्ट फीड कर दो आप, ठीक है। और सेट एडिट को मैंने फॉल्स कर दिया, सेट करंट इंडेक्स को मैंने नल कर दिया, सेट टेक्स्ट को मैंने ब्लैंक कर दिया, बस ये सिंपल सा मेरा कोड था और ये मेरा बन के तैयार हो गया है, ठीक है। आप यहाँ पे आइकन भी लगा सकते हो, मैंने सिंपल सा यूआई पे ध्यान नहीं दिया है, आप चाहो तो रिएक्ट आइकन्स को इंस्टॉल कर सकते हो, मैंने पहले से इंस्टॉल कर लिया है। अब मैं एक आइकन दिखा देता हूँ आपको लगा के, कॉपी करता हूँ मैं और यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ मैं, कंट्रोल सी, ठीक है। तो मेरा बटन आ जाना चाहिए एडिट का, मैं यहाँ टाइप किया, मैं बटन आ गया एडिट का, आप सेम डिलीट का बटन भी ला सकते हैं, MD डिलीट नहीं मिल रहा है, ट्रेस नहीं मिल रहा मुझे आइकन, मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, रिमूव का मैं सेव कर लेता हूँ बटन, या डिलीट का सर्च कर लेता हूँ, DLET डिलीट, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ मैं, कंट्रोल सी, इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ पहले, यहाँ से मैंने इंपोर्ट कर लिया, और मैं MD डिलीट को यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, सेव किया मैं। अब मेरे पास बटन आ रहा होगा लाइक एडिट और डिलीट का, आप इसको और बिल्कुल कर सकते हैं सीएसएस का यूज़ करके, मैंने डिजाइन फोकस नहीं किया, पर्सनालिटी मैंने वर्क किया है, ठीक है। तो ये रहा सिंपल सा टू डू एप्लीकेशन, ये होते बहुत सिंपल है, बट अगर इस पर आप डीपली वर्क कर लेते हो तो सब कुछ आपका टू डू ही है, चाहे मूवी डाउनलोडिंग वेबसाइट हो जाए, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, एजुकेशनल वेबसाइट हो गया, सब कुछ आपका टू डू ही है। तो एक बार इनपुट टेक्स्ट को हैंडल करना, बटन को हैंडल करना, स्टेट को मैनेज करना अगर आप सीख जाते हो, तो आपको किसी भी इंटरव्यू क्रैक करने में या रियल टाइम वर्क करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सो इस वीडियो को लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड टेक केयर।